सिरसा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज जिले में डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने का पहला मामला सामने आया है। नाथूसरी चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चोपटा अस्पताल को 2 दिन के लिए सील कर दिया है। अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब अगले 2 दिनों तक आम जनता के लिए अस्पताल बंद रहेगा। डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद चोपटा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर रोज सैकड़ों लोग अस्पताल में उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में उप डॉक्टर के संपर्क में जो लोग आए हैं, स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों का पता लगाने में जुटा है। जो लोग डॉक्टर के पास आए थे, सभी की जांच की जाएगी। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मिले डॉक्टर को उपचार के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में लाया गया है। आज सिरसा जिला में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं, 1 सरकारी डॉक्टर हैं और 1 प्राइवेट लैब के डॉक्टर हैं और तीसरे हैं वो रानिया से संबंधित हैं और साथ के साथ 4 लोग नए डिस्चार्ज हुए हैं। इन 4 लोगों के अंदर 2 लोग भरोका के हैं, 1 डबवाली का और 1 रानिया का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 93 पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हमारे हैं और उनमें से एक्टिव 19 मरीज जो हैं वो हमारे कोविड सेंटर में दाखिल हैं और बाकी जो हैं 74 पेशेंट जो हैं वो रिकवर होकर के अपने घर जा चुके हैं। और सिरसा ज़िला के अंदर टोटल सैंपल जो हैं वो 5901 लिए गए थे और जिनमें से 5517 सैंपल हैं वो नेगेटिव आए थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो बाहर से आने वालों की हिस्ट्री ज़्यादा है, वही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कृपया आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार और अपने समाज का ध्यान रखें, तभी हम सिरसा ज़िला को कोरोना मुक्त बना सकते हैं।